बहन भाइयों, ये आज जो है ना ले आए हैं सौंफ। आप हरियाणा होंगे क्या, सौंफ क्यों ले आए हैं? और आज हम बनाएंगे सौंफ वाली भिंडी। सब बहन भाइयों ने देखना है सौंफ वाली भिंडी। किसी ने नहीं पकाई होगी पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में कौन पकाता है सौंफ वाली भिंडी? किसी को पता भी नहीं है सौंफ वाली भिंडी कैसी है। बस ऐनक लगा लें आपका समझो चैनल। मुझे तो दो एक पापड़। मुझे देती हो एक पापड़? हाय मुझे मिर्ची लग जाए। अभी जो है भिंडी जो है ऐड हो गई है। और ये देखें, विलेज देखें, ये बाहर का विलेज है और नीचे से जो मौसम है वो बिल्कुल साफ हो रहा है, बिल्कुल साफ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिल्कुल फूलों की तरह चमकते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बाकी घर वाले भी माशाल्लाह ठीक है। जो बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामिल अता फरमाए। जो बेऔलाद है अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। जो बेरोजगार है अल्लाह पाक उनके रिस्क में बहुत सारी बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ हमारा व्लॉग जो है वो हो चुका है स्टार्ट। मैं तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी जरूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर करना और वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। माशाल्लाह जी आज इतनी ज़ोर की अंधेरी आई है ना, बिल्कुल तूफान की तरह, बिल्कुल तूफान। और अभी भी चल रही है लेकिन पीछे से जो है ना और भी ख़तरनाक बादल आ रहे हैं और अंधेरी लगता है उससे भी ज़्यादा आएगी। और इतनी ज़ोर की आई है, इतनी ज़ोर की आई है कि दरख्त जो है ना एक दफ़ा ज़मीन से लग के फिर ऊपर उठ खड़े हैं। बहुत ज़ोर की अंधेरी आई है और आपको दिखाते हैं, ये देखें बादल और उसके साथ साथ देखें अभी भी हवा जो है ना तेज़ हवा चल रही है, तेज़ बिल्कुल बिल्कुल तेज़ हवा चल रही है। और इसी वजह से जो है ना मैं कब का जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर लेता तो अंधेरी इतनी थी कि बंदा बहम ही नहीं कर सकता था। बहुत तेज़ अंधेरी थी, बहुत तेज़ और धूड़ मट्टी थी सारी। तो अभी भी ऐसा ऐसा हवा चलती है और उसके बाद जो है ना ऐसे एक आता है ना अंधेरी का झोला ऐसे आता है ना फिर ज़ोर का धूड़ मिट्टी फिर साथ ले आता है। और माशाल्लाह जी अभी जो है हम चारा वगैरह काट रहे हैं, अभी तक जो है ना रेस्ट भी अभी नहीं काटी, मौसम जो है बहुत ख़राब है तो अभी चारा काट के जानवरों को खिलाते हैं और दिखाते हैं आपको कि रेस्ट में जो है ना मैं क्या सब्ज़ी ले आया हूँ वो भी दिखाएंगे और आपसे बाकी की जो वीडियो है वो भी शेयर करेंगे। और आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को करना है। तो अभी चलते हैं चारा काटते हैं। और बेगम साहिबा ने जो है ना ये देखें घास जो है ना ले आई है अभी, तो चारा काटेंगे। और जानवर जो है हमारे खड़े हुए हैं, इमरान भाई की जो गायें हैं वो खा रही है। इमरान भाई ने आज जल्दी जो है ना काट लिया है, जल्दी आज बहुत जल्दी की है अंधेरी की वजह से, आज बहुत जल्दी की है अंधेरी की वजह से और काट लिया है। तो अभी हम काटेंगे। और ये देखें दरख्त जो है अभी भी देखें हल रहे हैं अभी। और इस साइड से मौसम देखें, ये देखा है ना इतनी हवा चल रही है, मौसम भी देखें, मौसम बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह पाक रहम खैर करे। और अंधेरी जो है ना ये बहुत नुकसान कर देती है। पहले भी आई थी काफ़ी सारे दरख्त और खंभे वगैरह तारे वगैरह टूट गई थी और बिजली का प्रॉब्लम हो गया था। और हमारे मोबाइल इतने कमज़ोर हैं कि बस देर नहीं होती कि बैटरी टाइम जो है फिर ख़त्म है इनकी। और इसकी जो है ना फिर हर शहर में जो है ना ये तकरीबन मेरा जो मोबाइल है ना ये तकरीबन कई 8-10 साल पुराना मोबाइल है और अभी जो है इसकी मियाद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म। 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ सारी रात जो है ना सेव करता है, या अभी मगरब के टाइम को सेव पे लगाऊँ तो रात के 1 बजे सेव करता है। इसी वजह से मेरा व्लॉग रात के 1 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है। तो व्लॉग जो है मैं टाइम से बना लेता हूँ लेकिन क्या करें, मोबाइल की जो है ना बहुत मजबूरी है। और इसका जो गिलास है ना स्क्रीन है वो भी अब टूट गई है, पहले को टूटी हुई थी और उसमें काले काले जो है ना धब्बे आ गए हैं स्क्रीन में और बिल्कुल जो है ना ये ख़त्म हो चुका है। तो अल्लाह पाक फुर्सत देगा इंशाल्लाह न्यू मोबाइल लेंगे। और इसी वजह से एक वीडियो डालता हूँ, अगर अच्छा मोबाइल हो तो 2 वीडियो जो है ना दिन की बन जाएगी और वॉच टाइम जो है मेरा जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। तो इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई वसीला बने कि मोबाइल जो है अच्छा सा मोबाइल लें और 2 वीडियो बनाए ताकि वॉच टाइम जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो अभी जो है ना घास काटते हैं और बेगम साहिबा ने जो है ना नीचे कपड़ा भी बिछा दिया है और घास भी आ गया है माशाल्लाह। तो ये काटते हैं और इसके बाद अभी जो है हमने चारा वगैरह काट लिया है माशाल्लाह। ये देखें चारा भी काट लिया है और बेगम साहिबा ले गई है जानवरों को, डाल रही है चारा। और चारा इतना सख्त था आज कि बहुत जो है ना सांस बंद हो रही थी मेरी,
और चारा कुछ ज़्यादा था और सांस बंद जो है मेरी हो रही थी, तो अभी पानी पिया है तो अभी जो है ना कुछ होश में आया हूँ। ये देखें, खाओ खाओ मज़े उड़ाओ, मज़े उड़ाओ, खाओ खाओ, और ऐसे ना करो। माशाल्लाह जी, अभी ये काम तो हो गया चारे वाला, और आपको दिखाते हैं आज की रेसिपी में जो है क्या ले आया है, और आज हम क्या पका रहे हैं, और हम क्या रहे हैं, और क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, खाएंगे बस खाएंगे, हम भी खाएंगे। ये देखें जी प्यारे बहन भाइयों, ये आज जो है ना ले आए हैं सौंफ। आप हैरान होंगे कि आज सौंफ क्यों ले आए हैं, भिंडी और सौंफ बना रहे हैं। और ये है सौंफ, दो पत्तियां सौंफ। ये न्यू तरीका है ना रेसिपी बनाने का, सौंफ जो है ना भिंडी में डालेंगे। आज आपको न्यू तरीका बताते हैं कि भिंडी जो है ना दो तरीकों से पकती है, सौंफ से जो है ना बहुत अच्छी बनती है, किसी ने हमें बताया है। तो आज हम सौंफ इसी वजह से ले आए हैं, दो पत्तियां। तो आज सौंफ वाली जो है ना भिंडी हम बना रहे हैं, तो आप सब बहन भाइयों ने देखना है वीडियो को, और देखना है कि सौंफ वाली भिंडी जो है कैसे बनती है। तो भिंडी जो है ये देखें ले आए हैं, हरी मिर्चें भी है इसके साथ, और ये सौंफ भी है, और आज हम बनाएंगे सौंफ वाली भिंडी। सब बहन भाइयों ने देखना है सौंफ वाली भिंडी, किसी ने नहीं पकाई होगी पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में कौन पकाता है सौंफ वाली भिंडी, किसी को पता भी नहीं है सौंफ वाली भिंडी कैसी होती है, मुझे पता है। और आज जो है मैं बना रहा हूँ सौंफ वाली भिंडी, और आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त। अभी जो है हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है, यानी कि अभी काट रही है बेगम साहिबा, तैयार नहीं हुई, तैयार करनी है। और आज बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि सौंफ वाली भिंडी कैसी होती है। और आज मैंने सोचा कि वैसे भी जो है ना ऐनक लगा लूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे जो है ना ऐनक वगैरह लगाई होती है, काटन के सूट, बड़ी बड़ी जुतियाँ, और उनके जो है ना व्लॉग जल्दी वायरल हो जाते हैं। तो एक बहन भाई ने मुझे बताया है कि आप भी जो है ना ऐनक लगा लें। मैंने कहा मेरे पास काटन का सूट भी नहीं है और जुत्ती भी नहीं है निरोधी जो होती है, तो उन्होंने कहा है कि बस ऐनक लगा लें, आपका समझो चैनल गया, यानी कि पता नहीं गया कहाँ गया, चैनल अपना मोनोटाइज हो जाएगा या पीछे आएगा, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन आज मैंने इसी वजह से ऐनक जो है ना लगा ली है, आज देखते हैं कि आज मेरी जो वीडियो है ना ये वायरल होती है या नहीं होती है ऐनक लगाने से। और आपको दिखाते हैं भिंडी हार्ड हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो छोटी छोटी जो होती है ना वो अच्छी होती है, नर्म होती है, इतनी हार्ड भी नहीं होती। और अभी काट रही है, और मौसम जो है काफ़ी ख़राब है, और मगरिब का टाइम भी होने वाला है, आज बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि आज अंधेरी जो आई है ना उसकी वजह से लेट हो गए, अंधेरी इतनी ज़ोर की थी कि बाहर जो है ना निकल नहीं सकते थे, तो इसी वजह से लेट हो गए। चलो रात के किसी ना किसी टाइम जो है बन जाएगी, और इंशाल्लाह बाकी की जो वीडियो बस आप बहन भाइयों से शेयर करेंगे, और आपने हमारे साथ रहना है वीडियो को। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अबू जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत या ठीक है? आज अंधेरी तो वैसे की वैसे अलग थी, चक्की बजाने का प्रोग्राम नहीं है ना, चक्की का टाइम भी खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, इधर से बादल फिर आ रहे हैं, और अंधेरी जो है बहुत तेज चल रही है। और मुनहल जो है पापड़ खा रही है, मुनहल को पहले जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, फिर पापड़ ले आती है। पापड़ खाती हो? क्यों पापड़ खाती है? और शाय नहीं थी, यही पापड़ थे। चलो जी मुझे तो दो एक पापड़, मुझे देती हो एक पापड़? हैं, मुझे मिर्ची लग जाएगी, आपको मिर्ची नहीं लगती? मैं अभी बच्चा हूँ ना, मुझे मिर्ची लग जाएगी, है ना बेटा? हाँ जी, चलो खाओ शाबाश। और मनाहल कह रही है कि आप ना खाओ पापड़, आपको जो है ना मिर्ची लग जाएगी, और मुझे जो है ना मिर्ची नहीं लगेगी। समझने की बात है, बच्चे भी बहुत सियाने हो। ये देखें ये कबूतर है माशाल्लाह, उड़ रहे हैं सारे, हवा में उड़ा दिया है इनको। और अभी जो है माशाल्लाह जा रहे हैं किचन में, देखते हैं कि रेसिपी जो है तैयार हो गई है। जी प्यारे व्यूअर, अभी जो है भिंडी जो है ऐड हो गई है, और ये देखें इसकी जो है ना भुनाई हो रही है, और सौंफ जो है वो मैं वैसे कह रहा था, क्योंकि बच्चों के लिए सौंफ ले आया था, तो वैसे मजाक किया तो माइंड नहीं करना, क्योंकि ये जो है ना हंसी मजाक जो है ना ये इंसान की ज़िंदगी में चलता रहता है, तो सब बहन भाइयों ने माइंड बिल्कुल नहीं करना।
क्योंकि कौन सी जो है ना सौंफ वाली भिंडी बनती है ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये बच्चों की सेहत जो बनती है ना वो उनके लिए जो है ना मैं ये सौंफ ले आया था। तो मैंने कहा चलो आज बहन भाइयों को थोड़ा सा झटका देते हैं कि सोचेंगे कि सौंफ वाली भिंडी आज फरूख भाई को क्या हो गया कि सौंफ वाली भिंडी जो है आज बना रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा था, लेकिन सौंफ वाली भिंडी तो नहीं बनती, क्या पता बनती हो, हमें तो पता नहीं है। और मिट्टी जो है ना अब लगता है नाक के अंदर चली गई है ये अंधेरे की वजह से, और आंखें जो हैं वो मेरी बिल्कुल ऐना किसी वजह से लगाई है, ये नहीं है कि टेम्परेली पे लगाई है फुटपाथ के लिए, नहीं, क्योंकि अब भी आंधी चल रही है और पता नहीं है कि धूल जो है ना उड़ उड़ के जो है ना आती है आँखों में। तो इसी वजह से मैंने ऐनक लगाई है ताकि आराम से व्लॉग बना सकूं, नहीं तो अगर मैं ऐनक उतार दूं तो आंखों में मिट्टी आती है तो आंखों में जो है ना पानी निकल आता है। इसी वजह से जो है ना मैंने ऐनक लगाई है। और माशाल्लाह अभी भिंडी जो है हमारी तैयार हो रही है जैसा कि, और आपने हमारे साथ रहना है वीडियो। तो प्यारे व्यूअर हमारा आज का व्लॉग जो है वो हो चुका है मुकम्मल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।